नमस्कार दोस्तों, हम हैं अपने चार धाम यात्रा के तीसरे पड़ाव केदारनाथ के लिए गौरीकुंड पहुंच चुके हैं। यहाँ हमने लिया है रूम और ये हमारे सभी टीम मेंबर्स हैं। ये रूम लिया है हमने, अनिकेत भाई, पवन भाई, सूरज गुप्ता जी। और यहाँ से चलने के बाद हम सुबह 3 बजे हमारे अमन भाई रह गए जो हमारे ग्रुप के लीडर हैं इस समय, और हमारे गुप्ता जी लीडर हैं, मेन गाइड यही कर रहे हैं हम लोगों को। और अब यहाँ से सुबह 3 बजे निकलेंगे, उसके बाद आगे दिखाएंगे आपको ट्रैक की वीडियो, पूरी फुल वीडियो ट्रैक की बनाएंगे और उसमें आपको जानकारी देंगे कि रास्ते केदारनाथ में क्या क्या ट्रैक पड़ेंगे और कितनी दिक्कत होती है या आसानी रहती है ट्रैक में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी बजे हैं सुबह के 7:15 और हमने अपना ट्रैक कर दिया इस तरह। जा बोले और दिखाते हैं आपको रास्ते। ये अपने आगे रास्ते का बचा हुआ ट्रैक, हमारी टीम जो काफी थकी हुई लग रही है सुबह सुबह, और हमारे फ्रेंड्स के चोट लग चुकी है सुबह, और वो बैठे हैं सामने हमारे महादेव। पहाड़ों के बीच उन चोटियों में हम पहुंचना है। अभी रास्ते का बहुत छोटा भाग कवर हुआ है, धीरे धीरे हम आपको दिखाते रहेंगे आगे का ट्रैक। बने रहिएगा इस पूरी वीडियो में। भाई लगभग रास्ते का आधा भाग हमने कवर कर लिया है, काफी टफ रास्ता है। तो ये आ रही है अपनी नदी, हमने पहुंचना है उसके एशिया तक। रास्ता है काफी कठिन चढ़ाई है, काफी कठिन चढ़ाई है। बाद की टीम हमसे बिछड़ चुकी है, कुछ आगे है कुछ पीछे है, साथ साथ चलना है जी। बागी रहती है रखनंदा, जो भी मानो भाई, आप नहीं आ रहा क्या? आप तो होश गाय है, इतनी करनी चढ़ाई है भाई। आखिरकार पहुंचने वाले, बस 3 मिनट।